सुप्रभात बच्चों, कक्षा एक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ अ की मात्रा, यानी बच्चों पाठ 15 अ की मात्रा हमने पढ़ लिया और दोहरा लिया। आज हम करेंगे अंग की मात्रा। तो बच्चों, कल एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसे हम दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे अंग की मात्रा। तो बच्चों, पाठ 15 है मौसा मौसी आए। तो इस पाठ में बच्चों हमने कल कुछ शब्दों को पढ़ा था और उनको लिखा था। जैसे कि यहाँ पे शब्द पूरे नहीं थे, अधूरे शब्द दिए गए थे, इनमें हमने ओ और औ की मात्रा लगा करके इनको पूरा किया था। जैसे कि बिछौना, बिछौना में बच्चों छ पे ओ की मात्रा लगाई थी और बिछौना शब्द को हमने पूरा किया था। चित्र देखा था और नाम पहचाना था, नाम पहचान कर अधूरे शब्द को हमने पूरा किया था। उसके बाद बच्चों टोपी, टो टो में ओ का स्वर आ रहा है इसलिए हमने ओ की मात्रा लगा करके लिखा था टोपी। उसके बाद जोकर, ज में ओ की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे भी हमने ज में ओ की मात्रा लगाई थी और शब्द को पूरा किया था, लिखा था जोकर। नौका, न पे ओ की मात्रा और क पर आ की मात्रा का, नौका। उसके बाद लौकी, ल ल पर ओ की मात्रा और क पर बड़ी की मात्रा, लौकी। उसके बाद तौलिया, तौलिया, त पर ओ की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, या तौलिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको भी पूरा किया था। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्दों में हमने ओ की मात्रा लगाई थी। ओ की मात्रा हम एक पाई और एक डंडी लगा करके लगाते हैं। जब भी हम ओ की मात्रा लगाते हैं वहाँ पे एक पाई और एक डंडी लगाते हैं, और जब हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो हम वहाँ पे एक पाई दो डंडी लगाते हैं। तो अगर हमें ओ का स्वर सुनाई देता है तो हम एक पाई एक डंडी लगा करके मात्रा लगाते हैं, और अगर ओ की मात्रा का की ध्वनि आती है तो हम एक पाई दो डंडी लगा करके करते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने ओ की मात्रा को पढ़ा और यहाँ मात्रा लगाया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ब से बनने वाले शब्दों में ध्वनि के अनुसार उनमें कौन सी मात्रा लगी है उसको पहचाना, और पहले शब्द को लिख करके हमने मात्राओं का अभ्यास किया। जैसे कि हमने पढ़ा था बीन, बीन में ब पर बड़ी की मात्रा है तो हमने ब पर बड़ी की मात्रा को पहचाना और जाना कि यहाँ पे ध्वनि बड़ी, ब पर बड़ी की मात्रा क्या आ रही, तो हमने ब पर बड़ी की मात्रा लगा करके बी लिखा। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे हमने छोटी की मात्रा की ध्वनि को पहचाना और जाना कि बिल्ली में ब पर छोटी की मात्रा है या ध्वनि छोटी की ध्वनि है। उसके बाद बकरी, बकरी में कोई मात्रा नहीं है, अ की ध्वनि हमने सुना और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगाया, ब लिखा। बुढ़िया, बुढ़िया में छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनि को हमने यहाँ पहचाना और जाना कि बुढ़िया में ब पे छोटे ऊ की मात्रा है। उसके बाद बैल, बैल में ब पर ए की मात्रा है, तो बच्चों बैल, ब पर दो तिरछी लगा करके हमने ए की मात्रा लगाना सीखा। उसके बाद बोतल, बोतल में ओ की ध्वनि आ रही है इसलिए हमने ओ की मात्रा लगाई और पहचाना। उसके बाद यहाँ पे बाघ, बाघ है तो बाघ में हमने ब पर आ की मात्रा लगाया, का आ की मात्रा ब पर लगाया और ध्वनि पहचाना बा। उसके बाद बूढ़ा, बूढ़ा में ब पर बड़े ऊ की ध्वनि है तो हमने जोर लगा के पढ़ा बू और बड़े ऊ की ध्वनि पहचाना। उसके बाद बेलन, ब पर ए की मात्रा है, ए की ध्वनि है, और उसके बाद ब से बौना, ओ की मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा पहचाना। तो यहाँ पे जितने भी चित्र दिए गए थे उसमें हमने अभी तक जितनी भी मात्राओं को पढ़ा उन मात्राओं को पढ़ करके जाना। तो बच्चों एक बार अब पाठ मौसा मौसी आए में से कुछ प्रश्न बना करके हम उन्हें दोहरा लेते हैं। जैसे कि बच्चों कहानी है जिसमें मौसा मौसी आए हैं, मौसम कैसा है इस पाठ में, मौसम कैसा है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मौसम बड़ा सुहावना है। पाठ के पहली पंक्ति में हमने पढ़ा कि पाठ 15, यह है पाठ 15, मौसा मौसी आए, मौ स पर आ की मात्रा सा, और मौसी और मौ सी, मौसा मौसी आए। तो यहां हम लिखेंगे आए,
मौसा मौसी आए, मौसा डैश मौसी आए, आ ए। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ पाठ से हम प्रश्न बनाएंगे, जैसे कि मौसम कैसा था, मौसम बड़ा सुहावना था, रौनक क्या कर रहा था, बच्चों पाठ में रौनक क्या कर रहा था, रौनक चौकी पे बैठकर पढ़ रहा था, रौनक चौकी पर बैठकर पढ़ रहा था, गौरी क्या कर रही थी, गौरी घर से बाहर जाकर खेल रही थी, तो गौरी बाहर खेल रही थी। उसके बाद कौन आए थे, गौरी और रौनक के घर कौन आए थे, गौरी और रौनक के घर मौसा और मौसी आए थे। उसके बाद मौसा गौरी और रौनक के लिए क्या लाए थे, मौसा गौरी और रौनक के लिए खिलौने लाए थे, मौसा गौरी और रौनक के लिए खिलौने लाए थे। उसके बाद बच्चों जो पिताजी हैं, पिताजी मौसा जी को क्या दिखाने लेकर के गए, पिताजी मौसा जी को बगीचा दिखाने लेकर के गए, पिताजी ने मौसा जी को अपना बगीचा दिखाया। पिताजी को किसका शौक था, पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था, पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। उसके बाद बच्चों कल हमने अगला अभ्यास जो किया था वो है गंदा और फंदा एक जैसी तुक वाले शब्द है। बच्चों जैसा कि आप जानते हो गंदा और फंदा एक जैसे तुक वाले शब्द है, तुम भी ऐसा ही एक एक शब्द लिखो। तो बच्चों यहाँ पे जो लंगूर है कुछ शब्द दिए गए हैं, लंगूर पंजा डंडा अंदर लंबा। अब इनकी ध्वनियों के हिसाब से हमें इनके तुक वाले शब्दों के साथ इनका मिलान करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों की सहायता से हम जिस चित्र के नाम का तुक जिस शब्द से मिल रहा है उसके सामने हम लिखेंगे। कल भी हमने इसे पढ़ा और समझा था, चलिए एक बार और इसे हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों लंगूर, लंगूर का तुक अंगूर, अंगूर से मिल रहा है, लंगूर अंगूर, तो हम लंगूर के साथ अंगूर लिखेंगे। उसके बाद पंजा गंजा, पंजा का गंजा से मिल रहा है, तो हम पंजा के आगे लिखेंगे गंजा। उसके बाद डंडा अंडा, डंडा का तुक अंडा से मिल रहा है इसलिए हम डंडा के आगे अंडा लिखेंगे। उसके बाद अंदर बंदर, अंदर का बंदर के साथ मिल रहा है इसलिए हम अंदर के आगे लिखेंगे बंदर। उसके बाद लंबा खंभा, तो हमने ध्वनियों को समझ करके इन शब्दों को तुक वाले शब्दों के साथ मिलान किया है। लंगूर अंगूर, पंजा गंजा, डंडा अंडा, अंदर बाहर, लंबा खंभा। तो बच्चों यह था कल का अभ्यास, हम अब हम करेंगे आज का अभ्यास। तो बच्चों चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पिताजी को किस चीज का शौक था, पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। उसके बाद बच्चों माताजी ने किस चीज के पकौड़े बनाए थे, माताजी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे, माताजी ने किस चीज के पकौड़े बनाए थे, माताजी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे। उसके बाद माताजी ने नौकर को कितने रुपए दिए थे, माताजी ने नौकर को 100 रुपए दिए थे, माताजी ने नौकर को 100 रुपए दिए थे। उसके बाद बच्चों माताजी ने कहाँ से कचौड़ियाँ मंगवाई थी, माताजी ने चौराहे वाली दुकान से कचौड़ियाँ मंगवाई थी, माताजी ने चौराहे वाली दुकान से कचौड़ियाँ मंगवाई थी। माताजी ने मौसा जी और मौसा जी के लिए क्या बनाया था, माताजी ने मौसा जी और मौसी जी के लिए अदरक और तुलसी वाली चाय और लौकी के पकौड़े बनाए थे। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ से भी प्रश्न बना दिए। उसके बाद रौनक और गौरी के घर कौन आए, यह प्रश्न हमारे पाठ के पीछे दिए गए हैं। रौनक और गौरी के घर कौन आए थे, रौनक और गौरी के घर मौसा और मौसी आए थे, रौनक और गौरी के घर मौसा और मौसी आए थे। उसके बाद मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए थे, मौसा और मौसी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए थे। माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई,
माताजी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। पिताजी का क्या शौक था? पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। माताजी ने किस चीज के पकौड़े बनाए थे? माताजी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे। तो बच्चों, इस तरह से हमने यह प्रश्न भी कर लिए और उसके बाद आप इन्हें पढ़कर दोहराएंगे। तो चलिए आज हम अंग की मात्रा शुरू करते हैं। तो हमारा अगला पाठ है बच्चों अंग की मात्रा। अब अंग की मात्रा में बच्चों, अंग की मात्रा जैसा कि हम जानते हैं, अंग की मात्रा हम कैसे लिखते और पढ़ते हैं बच्चों? अंग की मात्रा हम बिंदियों द्वारा लगा करके पढ़ते हैं। अंग की मात्रा हम बिंदियों द्वारा किसी भी वर्ड पर बिंदी लगा करके लिखते हैं। जैसे कि चलिए तो हम अंग की मात्रा पढ़ते हैं। तो बच्चों अगला पाठ हम दोहराने जा रहे हैं जो कि पाठ 16 है। पाठ 16 में बच्चों हमारे पास है अंग की मात्रा। 16 पाठ 16 अंग की मात्रा और पाठ का नाम है बच्चों जाखू मंदिर। जाखू मंदिर। अब बच्चों इस पाठ में हमने अंग की मात्रा पढ़ी थी। आप सभी जानते हैं जब हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी द्वारा लगाते हैं। तो बच्चों अंग की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगाई जाती है। और आप जैसा कि जानते हैं जब हम अंग की मात्रा पढ़ते हैं तो ध्वनि हमारे नाक और मुंह दोनों से आती है। तो जब हम किसी भी शब्द पर किसी भी वर्ण पर अंग की मात्रा लगाते हैं, जैसे कि अंगूर, तो हमारे ध्वनि नाक से भी आ रही है और मुंह से भी आ रही है। तो हम पढ़ते हैं अंगूर। अब बच्चों अंग की मात्रा एक बिंदी द्वारा वर्ण के ऊपर लगा करके बनाई जाती है या दिखाई जाती है, क्या एक बिंदी के रूप में दिखाई जाती है। और जब भी हम इसे पढ़ते हैं नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं। तो दूसरी बात बच्चों, अंग की मात्रा को इसीलिए क्योंकि हम नाक से पढ़ते हैं इसलिए हम इन्हें अनुस्वार भी कहते हैं। इन शब्दों को हम अनुस्वार भी कहते हैं या ध्वनि को अनुस्वार भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत से ऐसे शब्द पढ़े थे जिसमें अंग की मात्रा लगा करके हमने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं हमने कौन कौन से अंग की मात्रा वाले शब्दों को इस पाठ में पढ़ा था। अंग की मात्रा वाले शब्द, तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा जो नाम है पाठ का मंदिर। मंदिर यहाँ पे पहला शब्द है मंदिर। म पे बिंदी, द पे छोटी की मात्रा, दी र मंदिर। उसके बाद बन द र बंदर। उसके बाद चन द न चंदन। उसके बाद सन त रा संतरा। फिर शंख शंख। फिर घंटा, घ घ पर बिंदी और ट पर आ की मात्रा, घंटा। तो यह कुछ शब्द हैं और भी हमने बहुत सारे शब्द पढ़े जैसे कि पंडित, पन बे त पंडित, ज पर बड़ी की मात्रा, जी पंडित जी। यहाँ पे भी हमने अंग की मात्रा पढ़ी। उसके बाद बच्चों हमने पाठ में और भी कई जैसे कि मंथन, मन थ न मंथन। फिर उसके बाद अंजलि, दूसरा शब्द अंजलि, अंजलि। ये कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़ा जिस पर अंग की मात्रा है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे मन मंदिर, जब हम मंदिर पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर अंग की मात्रा है। बंदर, ब पर बिंदी, द र बंदर, ब पर भी बिंदी है, अंग की मात्रा है, इसलिए हम इसे न ना कर मुंह बंद द र बंदर दोनों से पढ़े। चंदन चंदन, संतरा संतरा, शंख शंख, घंटा घंटा, पंडित जी, मंथन अंजलि। तो यह कुछ शब्द थे जो हमने पाठ में पढ़े। इसके अलावा और भी हमने शब्द पढ़े जिस पर हमने अंग की मात्रा लगाई थी। जब हम अंग की मात्राओं को पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे हंस, अंगूर, पतंग, पंख, बंदर, रंग, गंगा, कंघा, शंख, डंडा, पंजा, खंभा, डंडा,
झंडा, कंचा, जंगल, मंदिर, संतरा, बंदूक, चंदन, तिरंगा, कंजूस, नारंगी, सारंगी, कंकड़, इन सबको हमने यहाँ पे पाठ में पढ़ा और समझा। सब पे हमने अंग की मात्रा लगाई है। जिस शब्द पर हम या व्यंजन पर या वर्ण पर हम अंग की मात्रा लगाते हैं उसको हम उसको नाक से पढ़ते हैं और उस पर थोड़ा उसको अलग से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किस शब्द पर या वर्ण पर हमने अंग की मात्रा लगाई है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो कहानी है इसमें अंजलि और मंथन दो बच्चे थे और यह कहाँ गए थे, यह जाखू मंदिर देखने गए थे। जाखू मंदिर कहाँ है बच्चों? जाखू मंदिर शिमला में है और आप सभी जानते हो जाखू मंदिर ऊंचाई पर है या शिमला ऊंचाई पर है जिसकी वजह से वहाँ ठंड पड़ती है, कभी कभी बर्फ भी पड़ती है। तो यह जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए ये दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ जाखू मंदिर देखने गए थे। और मंदिर में आपने जैसा कि चित्र में देखा था, पढ़ा था कि मंदिर के आसपास बहुत सारे लंगूर और बंदर थे और इनको देखकर बच्चे क्या थे, डर जाते हैं। क्योंकि हम भी जब लंगूर और बंदर को देखते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि लंगूर और बंदर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन माता पिता ने समझाया कि यह तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद दोनों बच्चे माता पिता के साथ मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाने के बाद बच्चों वहाँ पे आरती हो रही थी और पंडित जी क्या कर रहे थे, शंख बजा रहे थे। बच्चों ने क्या बजाया, घंटा बजाया। और पंडित जी ने बच्चों को किसका टीका लगाया, चंदन का टीका लगाया। और उसके बाद बच्चों आप जब मंदिर में जाते हो तो आपको पंडित जी और क्या देते हैं, प्रसाद देते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने अपनी थाली से सेब और संतरा निकाल कर एक एक दोनों को दे दिया और दोनों बच्चे घंटा बजा करके मंदिर से बाहर आ गए। जब बच्चे मंदिर से बाहर निकले तो क्या हुआ बच्चों, जो बंदर थे उन्होंने इनके हाथ में फल देखा तो इनकी तरफ यह झपटे और जब यह इनकी तरफ बढ़े तो क्या हुआ, जो मंथन था पहले बंदर उसकी तरफ लपका तो वह अपना वह रोने लगा, क्या करने लगा, एक बंदर मंथन की ओर लपका, मंथन वहां से भागा, बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। तो क्या हुआ, मंथन रोने लगा, जैसे ही बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया वह रोने लगा। उसके बाद अंजलि की तरफ बढ़ा, मंथन के बाद वह अंजलि की तरफ बढ़ा, अंजलि की तरफ बढ़ा तो अंजलि अपना संतरा छोड़ छाड़ करके माँ से जाकर लिपट गई और वह भी रोने लगी। तो बच्चों आप बंदर को आप भी देख करके डर जाते हो, तो जब भी हम ऐसे कहीं मंदिर में जाते हैं और वहाँ बंदर वगैरह होते हैं तो हमारे हाथ में अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है तो हम उसे छुपा के जाते हैं क्योंकि अक्सर हमारे हाथ में खाने पीने की चीज़ों को देख करके बंदर हमारी तरफ लपकते हैं और उसके बाद वह हमसे छीन लेते हैं। इसलिए बच्चों जब भी आप मंदिर में जाते हो तो खाने पीने की चीज़ों को छुपा कर लेकर के जाओ, नहीं तो बंदर उन्हीं की वजह से आपके तरफ आते हैं और आप पर हमला करते हैं। तो बच्चों उसके बाद हम इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। अगला अभ्यास है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें इस अभ्यास को पूरा करना है। तो यहाँ पे यह कुछ वाक्य हैं जो पाठ से हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें इन्हें पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है बंदर, बंदर, बंदर। फिर है चंदन, चौपर बिंदी द न चंदन। फिर है आ र त पर बड़ी की मात्रा ती आरती, जाखू जाखू। और उसके बाद है संतरा, संतरा संतरा। अब इन शब्दों की सहायता से हम नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हम पूरा करेंगे। पहला वाक्य है एक
अंजलि, अंजलि, अंजलि और मंथन, 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 अंजलि और मंथन डैश मंदिर देखने, देखने डैश मंदिर देखने गए, डैश मंदिर देखने गए। तो बच्चों अंजलि और मंथन डैश मंदिर देखने गए। उसके बाद दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है मंदिर में, मंदिर, मंदिर में डैश हो रही थी, मंदिर में डैश हो रही थी। तीसरा है, तीसरे में हमारे पास है सर पंडित जी, पंडित जी ने मंथन, 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 मंथन को डैश का टीका, का टीका, टीका लगाया, डैश का टीका लगाया, पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। तो बच्चों इस तरह से यह हमारा तीसरा वाक्य। अब है चौथा वाक्य, चौथा वाक्य में है अंजलि, अंजलि, अंजलि ने डैश गिरा दिया, गिरा, गिरा दिया, अंजलि ने डैश गिरा दिया। उसके बाद पांचवें बच्चों हमारे पास है, पांचवा वाक्य है संतरा, संतरा, संतरा उठा कर, उठा कर, उठा कर डैश चला गया, डैश चला गया। तो बच्चों अब इन वाक्यों में हम कुछ ऊपर से शब्दों को भर करके वाक्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इन वाक्यों को भर करके हम पूरा करेंगे। तो बच्चों हमारा वाक्य है बंदर, चंदन, आरती, जाखू, संतरा, अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए? जाखू मंदिर देखने गए। मंदिर में आरती हो रही थी, मंदिर में क्या हो रही थी? आरती हो रही थी। तो दोनों पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया, पंडित जी ने मंथन को किसका टीका लगाया? चंदन का टीका लगाया। अंजलि ने संतरा गिरा दिया, अंजलि ने जब बंदर लपका अंजलि की तरफ तो अंजलि ने क्या किया? संतरा गिरा दिया। उसके बाद संतरा उठाकर बंदर चला गया। तो बच्चों जो संतरा था उसको उठा करके बंदर चला गया। तो इस तरह हमारा यह अभ्यास हो गया। बच्चों उसके बाद बोल बोल कर पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में बिंदी लगा करके, अंक की मात्रा लगा करके इन शब्दों को पूरा करना है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है घटा, घटा। अब घटा में हम बिंदी लगाएंगे यानी अंक की मात्रा लगाएंगे और इनको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे घंटा, हम इसको क्या बनाएंगे? घंटा। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में हमें अंक की मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं, बोल बोल कर पढ़ो या अंग की मात्रा, अंग, अंग की मात्रा लगाओ, की मात्रा लगाओ, लगाओ, अंग की मात्रा लगाओ। तो यहाँ में अंग की मात्रा लगाना है। उसके बाद बच्चों है घटा, घ ट पर आ की मात्रा टा, घटा, ग दा, गदा, फिर है उसके बाद है वश, वश, फिर है रग, रग, फिर है जग, जग, फिर है क और स, कस,
तो बच्चों यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमें अंग की मात्रा लगाना है। घटा, घटा में हम अंग की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा घंटा, घंटा। घटा में हमने अंग की मात्रा लगाई और शब्द बन गया घंटा। गदा, गदा में हमने अंग की मात्रा लगाई और हो गया गंदा, गंद पर आपकी मात्रा दा, गंदा। वश, वश में हम अंग की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा वंश, वंश। रग में हम अंग की मात्रा लगाएंगे और हो जाएगा रंग, र पर बिंदी और ग, रंग। उसके बाद जग, जग में हम अंग की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा जंग, जंग। कस में हम अंग की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा कंस। तो बच्चों इस तरह से हमने बिना अंग की मात्रा के शब्दों को पढ़ा, किस तरह से हम पढ़ते हैं, और अंग की मात्रा लगाने के बाद भी हमने शब्दों को पढ़ा। जब हमने घटा में अंग की मात्रा लगाई, हो गया घंटा। गदा में अंग की मात्रा लगाई, हो गया गंदा। वश में अंग की मात्रा लगाई, हो गया वंश। रग में हमने अंग की मात्रा लगाई, ये हो गया रंग। उसके बाद जग में हमने अंग की मात्रा लगाई और ये हो गया जंग। क श में हमने अंग की मात्रा लगाई और ये हो गया कंच। तो बच्चों इसी तरह से आप और भी अभ्यास करेंगे अंग की मात्रा लगा करके। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो हमारा अभ्यास है उसमें कुछ वाद्य यंत्र हैं, चित्रों को नाम से मिलाओ। आप चित्र देख करके पहचान सकते हैं। पहला चित्र हारमोनियम का है, दूसरा चित्र सितार का है, तीसरा चित्र बच्चों यहाँ पे जो है वो है तबला का है, उसके बाद है बांसुरी, उसके बाद है गिटार और उसके बाद है ढोलक। तो बच्चों इन चित्रों को पहचान करके आप इनके नाम के साथ इनको मिलाएंगे। बगल में लिखा है तबला, गिटार, ढोलक, बांसुरी, हारमोनियम, सितार। तो ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनकी मदद से हम जब गाने के साथ हम इन यंत्रों को बजाते हैं, और वैसे भी हम बजाते हैं और इन यंत्रों से मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं। तो पहला है बच्चों हारमोनियम। हारमोनियम के चित्र को हम यहाँ पे हारमोनियम के साथ मिलाएंगे, और उसके बाद सितार, दूसरा सितार है, सबसे नीचे सितार लिखा है, उसके साथ मिलाएंगे। तबला के चित्र को तबला के साथ मिलाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बांसुरी, बांसुरी के चित्र को हम बांसुरी के साथ मिलाएंगे, और गिटार के चित्र को हम गिटार के साथ मिलाएंगे, और जो आपका आखिरी चित्र है वह ढोलक का है, हम उसे ढोलक के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों इस पाठ में हमने अंग की मात्रा को पढ़ा और दोहराया। पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो जैसे कि हमने इस पाठ में पिछले पाठ में किया था, पिछले पाठ में हमने पाठ के बीच से कुछ प्रश्न बनाए थे। यहाँ पर भी बच्चों अंजलि और मंथन, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए। और वह कौन सा मंदिर देखने गए थे? वह जाखू मंदिर देखने गए थे, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ जाखू मंदिर देखने गए थे। उसके बाद बच्चों मंदिर में के आसपास उन्होंने क्या देखा? मंदिर के आसपास उन्होंने लंबी दुम वाले लंगूर और बंदर देखे, उन्होंने बंदर देखे और लंबी दुम वाले लंगूर भी देखे। उसके बाद बच्चों वहाँ पे आरती हो रही थी, पंडित जी आरती कर रहे थे, और अंजलि और मंथन को उन्होंने किसका टीका लगाया? अंजलि और मंथन को उन्होंने चंदन का टीका लगाया, अंजलि और मंथन को उन्होंने चंदन का टीका लगाया। उसके बाद घंटा कौन बजा रहा था? घंटा किसने बजाया था? घंटा मंथन ने बजाया था। और उसके बाद बच्चों पंडित जी ने दोनों को क्या दिया था? पंडित जी ने दोनों को एक एक संतरा और केला दिया था। उसके बाद बंदर जब मंथन की तरफ लपका तो क्या हुआ बच्चों? बंदर मंथन रोने लगा, क्योंकि मंथन डर गया, बंदर उसकी तरफ लपका
तो मंथन डर गया और डर के वह रोने लगा। और अंजलि ने क्या किया, अंजलि ने अपने हाथ से संतरे को छोड़ दिया और वह माँ से निपट कर रोने लगी। तो बच्चों इस पाठ में हमने अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा और इससे